तो भाई सुबह के 4:43 हो रहे हैं लगभग अभी, और मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ले 4:44 हो गए। चलो अच्छा है, देख लिया तुमने भी एंजल नंबर है। बट बात ऐसी है कि मैं सोया नहीं था। मैंने मैनिफेस्ट कर लो, मैनिफेस्ट कर लो पहले। हाँ, तो बात ऐसी है कि मैं सोया नहीं था, मैं उठा ही हुआ हूँ, और उठना है अभी फिर से 8 बजे। अगर सो गया तो उठ जाऊँगा 8 बजे, वरना फिलहाल तो उठा ही हुआ था। हो गई रात, निकल गई अब तो पूरी। एक्साइटमेंट भी कह लो है, पठान देखने जाना है अभी सुबह 9 बजे। पहला शो तो खैर नहीं है, बेचारा 7:30 का था पहला शो तो। बट चलो कोई बात नहीं, जैसा है जो भी है ठीक है। तो बस अभी जाना है अपना, 8 बजे उठना है फिर से। 8 बजे उठ के 8:30 तक निकल के 8:45 तक हॉल पे पहुंच जाएंगे। वहां पे जाके भी एक आध शॉट ले लेंगे, दिखा देंगे आपको बस। और यही यही बोलते हैं, मैं ब्लॉगर नहीं हूँ भाई, सॉरी। तो भाई सभी को गुड मॉर्निंग। बहुत ज़्यादा अपना जो है, रात को सो गए थे टाइम से। टाइम से तो क्या ही मतलब भाई, 5 बजे सोए थे। उसके बाद बस अब 8:30 बज रहे हैं फिलहाल, और घर से मैं निकल रहा हूँ इस टाइम पे। डस्टबिन का है, 8:30 बज रहे हैं फिलहाल, घर से मैं निकल रहा हूँ इस टाइम पे। और यहाँ से ले नहीं जाता वो हमेशा। ठीक है चलो बाय। तो बस अभी जाएंगे घर के घर, दोस्त है जो मेरा, उसके बाद पिक्चर देखने जाना है बस। फिर उसको उठा के अपना 8:45 जैसे 8:50 तक अपना प्लान था, पहुंच जाएंगे फटाफट सिनेमा हॉल। मेरी अपनी स्कूटी, चलो यार। ये बात है देखो, सच है एकदम। सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना, सुबह ये 8-9 बजे का टाइम है, ये जो भी 10 बजे से पहले, 11-10-11 बजे से पहले का टाइम जो होता है, वो इतना बढ़िया टाइम होता है, रिफ्रेशिंग एकदम। हालांकि ये टाइम मुझे पसंद बहुत है, पर फिर भी मैं इसके लिए रोज़ उठना प्रेफर नहीं करता। मैं अपना ये 12-1 बजे बढ़िया उठ रहा हूँ। रात सोते 5-5 बजे, तो 12 बजे से पहले कहीं नहीं खुलती है। बट ये है कि जब भी उठो इस टाइम पे, कितनी मर्जी नींद आ रही हो, जो मर्जी हो, बाहर निकल के बहुत अच्छा लगता है। हाँ बढ़िया है, माहौल अच्छा है, क्योंकि बाहर का वाइब बढ़िया होता है। हेलो जी, हाय मजे ना। तो अपना बढ़िया 8:40 हो गए हैं, ऐसे घर के बाहर ही खड़ा हूँ भाई साहब। बाहर है तो उनको लेके जाऊँ PVR तक। पिक एंड ड्रॉप का काम तो भाई बांधा ही हुआ है उन्होंने हमारा, पता नहीं कब से आ रहा है, वेट कर रहे हैं, आ जाएगा। वाह सुबह सुबह दूध ब्लॉगर नहीं। एक तो लेट आते हो, 15 मिनट ऊपर से ब्लॉगिंग नहीं शुरू में जो पठान। तो भाई अभी आ गया, अपना बढ़िया जाएंगे PVR का, प्रशांत PVR वाले में। यहाँ से 5-10 मिनट की दूरी है। हाँ वही जो भी है, 5-10 मिनट की दूरी है यहाँ से, जाना है बस। अभी पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में, लेट तो उसने कराई दिया, एड वैड में देख नहीं पाऊंगा। लेकिन अब जा रहे हैं बढ़िया एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी करते हैं वहाँ जाके करते हैं। बोल भाई, बोलते रहे तो चुप क्यों जाते हैं? हम ब्लॉगर नहीं है, हम तो नॉर्मल है, हम तो ऐसे ही कर रहे हैं। स्कूटी चला रहा है वो, नीचे रख देना। नहीं 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 ठुकेगा भाई, तो चिंता मत करिए। ये है, इट्स अ ब्लडी ब्रांड जैगुआर। इसके दर्शन नहीं करने भाई, वापसी में सीधा घर होंगे सुबह 12 बजे। मैंने डाल रहा अपने सिस्टम में छोले भटूरे, ले सो सीधे भी नहीं होगा ऐसे, तो फ्राई नहीं जाएगी। अरे वो तो कट जाएगा, अबे शक्ल कट जाएगी। इधर लगाते हैं ब्लॉग, ये ब्लॉग जिंदगी भर तो यही लगाइए, नीचे लगाते हैं, सेफ रहेंगे। ये बाहर ना सेफ नहीं है, सुबह सुबह का टाइम है। पठान मेरी जान, पार्किंग वाले भैया ने क्या खतरनाक ऐड की हुई है, देख रहे हैं। थैंक यू भैया, ऐड दे। अरे चल ला तू। वाह वाह, क्या सिक्योरिटी है भाई। नहीं कितने कितने सारे लोग हैं यहाँ पे चेक करने के लिए कि तुम्हारे पास बम तो नहीं है, देख। गेट खोल, खान साहब हम आ चुके हैं। खान साहब तुम्हारे चाचा लगे। खान चाचा, खान चाचा। अपना है ऑडी 3, ऑडी 3 है ये। सुबह सुबह पहला शो है, बताओ बंदा ना बंदे की जात। ये ना अपना K9 K10 भाई, 5 मिनट में भाई कोई पिक्चर देखने नहीं आए हैं, तो चेकिंग चल रही है।
हमें लगा था पहला शो है हाउसफुल होना चाहिए तो हाँ खाली पड़ा। चलो पता चलेगा अभी तो लोग आएंगे और लोग ज़्यादातर 9 बजे की पिक्चर में 9:30 से पहले नहीं आते जैसे ये भाई साहब है वैसे ही देखते हैं बाकी कैसा रहता है। अभी बाहर आ गए हैं वो चेकिंग वेकिंग चल रही है अंदर, जब एक बार पूरी हो जाएगी फिर उसके बाद वापस चले जाएंगे। तब तक पॉपकॉर्न के रेट से भी खुश हो लेते हैं। ₹650 का कॉम्बो इसमें क्या है फुल्ले बेसिकली सिर्फ फुल्ले भाई मैं कहता हूँ अगर फुल्ले हम मतलब अगर मक्की हम दे तो क्या 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 पता कुछ ये चीप चीजें बंद कर दो यहाँ पे चीप अगर मक्की में कितने का पड़ेगा। पठान के पॉपकॉर्न के डब्बे क्लॉथी फ्री चीज किसी भी हॉल की वो भी बिल्कुल संडास के साइड में लेडीज अभी पीते हुए कैसे वीडियो बनाते हम ब्लॉगर यहाँ से ये अबे वो हर किसी को पता है तू भी क्यों नहीं रहा है थोड़ा भीड़ अभी तो पराठे खा के आए कौन सा मेथी तो भाई पिक्चर हो चुकी है खत्म। बहुत बढ़िया मूवी थी भाई कैसी लगी क्या लगता है पिक्चर तो अच्छी थी ये भाई अच्छी हाँ तो पिक्चर भाई बढ़िया थी एकदम बहुत अच्छी थी यार मतलब 5/5 नहीं थी 4/5 पिक्चर थी कुछ चीज़ें थी कुछ दिक्कतें थी पर ओवरऑल तो बहुत ही तगड़ी पिक्चर थी यार अच्छी थी। अब बाकी लोग आएंगे जब उनसे लेंगे पब्लिक भी मिलेंगे यहाँ और देखते हैं बाकी बताते हैं फिर आपको फिलहाल तो इनको पता थोड़ा भाई तो भाई अपना लॉल हो गया थोड़ा सा यहाँ पे हम आए थे M2K पिक्चर देख ली थी हमने पीवर में देखी थी पिक्चर M2K में फिर आए थे एक बार रिव्यू लेने के लिए थोड़े बहुत रिव्यू हमने पीवर में भी लिए थे लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि शो शूटने में बहुत ज़्यादा देर है 2-3 बजने हैं तो इसलिए अभी आराम से घर ही जाएंगे और जितना बनाया वहाँ पे उतना शूट करके उतना एडिट करके डाल देंगे और बस फिर कुछ खाते हैं बस बढ़िया खाते पठान देख ले भाई कुछ खा के फिर घर जाके रिव्यू बनाना बहुत काम है इसको तो खैर वेला है तो चलो बाय। अब क्या है अब बस ये कि कवर तो लगा ले कवर अच्छा तो भाई आ गए अभी अमृतसरी कुलचा खाने द ब्रेकफास्ट पॉइंट क्या नाम है सेक्टर 9 नहीं है सेक्टर प्रशांत विहार 14 भी नहीं है 14 ही है प्रशांत विहार चलो जहाँ भी मतलब अंगर पॉइंट ही अंकल्स के साइड में अंकल्स नहीं ब्रेकफास्ट पॉइंट ब्रेकफास्ट पॉइंट है अंकल्स के साइड में अंकल्स आपने सुना होगा बहुत फेमस है हमारे यहाँ पे कैफे और बस वही है अभी खाएंगे यहाँ पे दो हमने ऑर्डर किए हैं अमृतसरी कुलचे की प्लेट भाई ये अपना आ गया है अमृतसरी कुलचा और साथ में छोले और चटनी है इस भाई के बेचारे का एक कुलचा आया नहीं है सैडली अभी आ जाएगा थोड़ी देर ले इतना दुख है ऊपर से चैन से खाने नहीं दे रहा है खाना मैं खा तो लेंगे खाने की तो बात नहीं पर इसका कुलचा भी एक और आ जाएगा देखो साइज में साइज में बता रहा ये हाँ लोया थोड़ा सुबह से चूर चूर ना बढ़िया भाई खाना उसे तो भाई मूवी देखकर घर आ गए थे और मैं बढ़िया सो गया था घर आके और फिर उठा फिर उसके बाद रिव्यू वगैरह लिखा रिव्यू लिख के वीडियो बना के डाली चैनल पे सब कुछ किया और अब ये बस अपना आखिरी क्लिप है आज की अब सोने जाऊंगा फिर से एक बार सोने तो क्या ही मतलब अभी नेक्स्ट जो शॉर्ट के लिए रिव्यू लिखना है और जो एडिटिंग करनी है वो सब करने बैठूंगा थोड़ी देर में और बस आज के लिए इतना ही था। पठान मूवी बड़ी कमाल की थी भाई बहुत मज़ा आया देखने में अगर तुम हो शाहरुख खान के फ़ैन बहुत बड़े और ना भी हो मैं तो कहता हूँ तब भी देखने ज़रूर जाओ पिक्चर बहुत बढ़िया मूवी है और बहुत मज़ा आएगा देख के और पैसे बर्बाद नहीं होंगे तुम्हारे पैसे वसूल होंगे पूरे पूरे और एंड में बस यही है सब्सक्राइब लाइक तो तुम्हारी मर्जी है जिसने करना है करेगा नहीं करना नहीं करेगा बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर मज़ा आया देखने में यहाँ तक मज़ा आया देखने में तो और भी वीडियोस चेकआउट कर लेना इस चैनल की बाय बाय।